कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, हरदा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यह हर क्षेत्र में नंबर वन बनेगा। कमल पटेल ने कहा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हरदा को नंबर वन बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदे हर के नारों के बीच हरदा में श्री प्रजापति सामूहिक भवन का भूमि पूजन किया। कमल पटेल ने कहा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हरदा को नंबर वन बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा, हरदा में बेटियां हर क्षेत्र में हरदा को नंबर वन बनाने के काम में लगी हुई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हरदा जिला हर क्षेत्र में नंबर वन बनेगा। इसमें भी हरदा नंबर वन होता जा रहा है। हमारे यहाँ की बेटियों ने भी हर क्षेत्र में शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न गतिविधियों में उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। जूडो कराटे में भी हमारे यहाँ की मना मंडलेकर ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया, गोल्ड मेडल लेके आई है और वो गांव-गांव में बेटियों को प्रशिक्षण दे रही है जूडो कराटे की, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। इसी प्रकार आज हमारी एक बेटी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, कल हमारे एक बेटे से प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे। तो हरदा जो है वो हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, जो गांधी जी ने कहा था वो सही साबित हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।